ये इस तरीके से देखो, ये झरने बह रहे हैं यहाँ पे। ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे, यही वो गुफाएं हैं जिनमें अपने हथियार वगैरह रखते थे। और ये मायरा की गुफाएं, यहाँ पे जो उनका जो शस्त्रागार वो यहीं था। उन्होंने जो जो भी हथियार थे मुगल सेना से, ताकि मुगल सेना के हाथ ना लगे और उनसे बचाने के लिए यहाँ पे छिपाए हुए थे हथियार, ये जगह है। ये महाराज जी सनानंदगीर जी नाम है इनका, और इन्होंने हमें कुछ जानकारियां लिख के दी है क्योंकि इनका 12 महीने का मौन व्रत है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की ब्लॉगिंग में हम दिखा रहे हैं मायरा की गुफा। फ्रेंड्स, मायरा की जो गुफा है वो उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर है गोगुंदा ब्लॉक, और गोगुंदा ब्लॉक में ही ये पड़ती है। और गोगुंदा ब्लॉक है यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर ये मायरा की गुफा स्थित है। मायरा की गुफा है जो गणेश जी का गुड़ा से पहले रास्ता है एक सीधा, वहां से रास्ता जा रहा है मोड़ी की तरफ और वहां पर स्थित है मायरा की गुफा। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस यात्रा का आनंद। हमें अब इधर जाना है, ये इधर मायरा की गुफा के लिए। वैसे दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ घूमने का, सबसे जो बढ़िया टाइम है जुलाई अगस्त और सितंबर सबसे बढ़िया है, और वैसे अक्टूबर तक भी वैसे ठीक है, लेकिन जो असली जो नेचर का जो नज़ारा है वो देखने को जुलाई अगस्त और सितंबर में ही अच्छी तरीके से मिलता है। और अब चलते हैं हम आगे, आपको बताएंगे आगे और भी जो अच्छी अच्छी जगह है। ये जो जगह है ये काकन का गुड़ा नाम से है कोई जगह, और ये रास्ते में ही पड़ती है। जब हम यहाँ पे जाते हैं मायरा की गुफा, तो यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना सुंदर है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर देखें हम तो ये वाला जो एरिया है ये इधर, यहाँ गोगुंदा इधर, और ये यहाँ पर इधर जो ये घर दिखाई दे रहे हैं कुछ, यहाँ इसमें कम दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो उधर ये गणेश जी का गुड़ा है। यहाँ पर गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। आए पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल, और ये यहाँ पे आप देखो ये पूरी पहाड़ी हैं चारों तरफ, और ये देखो, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वो महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ शस्त्रागार वगैरह है तो यहाँ पे हथियार रखते थे वो जगह है शायद। अभी देखते हैं हम वहाँ पे क्या है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही, मतलब इतना सुंदर है यहाँ पे, देखने लायक है। और ये यहाँ पे शायद ये कोई कुआ है, इसमें पानी भरा रहता है। और ये इस तरीके से देखो ये झरने बह रहे हैं यहाँ पे। आए पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल, और ये यहाँ पे आप देखो ये पूरी पहाड़ी हैं चारों तरफ, और ये देखो, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ है, उसके बारे में देखते हैं। कुछ शस्त्रागार वगैरह है तो यहाँ पे हथियार रखते थे वो जगह है शायद। अभी देखते हैं हम वहाँ पे क्या है। देखें
तो दोस्तों हम यहाँ पे आ पहुँचे। ये नीचे देखो, ये जो पानी है ये यहाँ पे कोई झरना है उससे आ रहा है पानी। हम चलते हैं अभी उस झरने को भी देखते हैं और यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं पहले। अभी ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे, यही वो गुफाएं हैं जिनमें अपने हथियार वगैरह रखते थे। और यहाँ से ताकि ये जो क्षेत्र था, ये गोगुंदा और जो हल्दीघाटी का क्षेत्र है उसके बीच में, और यहाँ से हथियारों की सप्लाई होती थी। जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था तो यहाँ से यहाँ हथियार छिपाए गए थे और यहाँ से फिर हथियारों की पूर्ति की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी जितनी भी गुफाएं हैं ना यहाँ, ताकि उनको दुश्मन सेना को पता ना लग सके, इसलिए यहाँ पे छुपा कर रखी थी। क्या आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर देखो यहाँ ये इधर से पानी आ रहा है, ये चारों तरफ से इसमें पानी आ रहा है, और जबकि ये इतना ही भर रहा है और खूब स्पीड से पानी आ रहा है, फिर भी ये पानी इतना का इतना, ये पानी यहाँ से गायब हो रहा है। ये देखो ये पानी इतना का इतना ही है और यहाँ से ये फिर गायब हो रहा है। ये शायद पत्थरों से होके नीचे जा रहा होगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, वीर शिरोमणि सूरवीर स्वतंत्रता के पुजारी प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप सार्वजनिक विश्राम स्थल मायरा की गुफा गोगुंदा, ये गोगुंदा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बारे में, और ये है ग्राम पंचायत कड़िया, कड़िया ग्राम पंचायत में है। और जगह है, ये गांव का नाम दुलावतों का गुड़ा, दुलावतों का गुड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये है यहाँ पे आप देख सकते हो ये गुफाएं हैं थोड़ी इस तरीके से। यहाँ पे पानी जाने का रास्ता है नहीं। और यहाँ से ये जो इस क्षेत्र में रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे तो उनके पास से जो वन का जो बिलाव था वो खाना लेके छीन के और लेके चल यहाँ से, जो खाना बनाया जैसे ही और वो खाने लगे तो वो छीन के बिलाव है वो लेके चला गया। और यही वो जगह है यहाँ पे, और ये मायरा की गुफाएं, यहाँ पे जो उनका जो शस्त्रागार वो यहीं था। उन्होंने जो भी हथियार थे मुग़ल सेना से, ताकि मुग़ल सेना के हाथ ना लगे और उनसे बचाने के लिए यहाँ पे छिपाए हुए थे हथियार, ये जगह है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी है, यहाँ पे यहीं पे रहते हैं ये, और ये कुछ डिटेल बता रहे हैं यहाँ उसके बारे में, वो लिख के देंगे, वो बताएंगे नहीं, तो पूछते हैं हम अभी, थोड़ा बोलते नहीं हैं वो अभी। तो दोस्तों तो इस तरीके से गुफाएं, तो इन्होंने मौन धारण कर रखा है तो इसलिए वो अभी बोल नहीं पाएंगे, तो वो लिख रहे हैं अभी, देखते देखते क्या बताते हैं इसके बारे में। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखो ये प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे झरने दोस्तों देखो, ये झरने हमेशा चलते रहते हैं, और इस तरीके से देखो यहाँ पे ये भर रहा है पानी। यहाँ पानी भरने के बाद भी ये यहाँ से गायब हो रहा है, देखो अंदर ही अंदर जाके वो वहाँ पर वो उधर निकल रहा है। अगर भूगोल की भाषा में कहें हम तो ये जैसे, तो दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा जानते हैं उनसे, और महाराज जी कुछ लिख रहे हैं यहाँ के बारे में, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। और
तो दोस्तों ये महाराज जी हैं, यहाँ पे अभी बोल नहीं सकते, इनका मौन व्रत है। तो ये सर को कुछ डिटेल दिए इन्होंने, तो ये बता रहे हैं यहाँ के बारे में। नमस्ते साथियों, ये महाराज जी सनानंद गिरि जी नाम है इनका, और इन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ लिख के दी है, क्योंकि इनका 12 महीने का मौन व्रत है। और ये 12 महीने पूरा होने के बाद में पता नहीं इन्होंने किस कारण से ये मौन व्रत रखा हुआ है। तो इन्होंने जो लिख के दिया है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो नदी झरना जो बहरा है ये गंगा का पाया है, मतलब यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों के फूल वगैरह है, जो माता पिता है उनके फूल वगैरह चढ़ाने आते हैं उनके शांत होने के बाद में। और इन्होंने बताया है कि एक ऊपर गुफा है जहाँ पे शेर दिखता रहता है, और इन्होंने सनानंद जी गिरि जी ने कई बार देखा है। और ये और इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण का भी इस जगह से संबंध है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक बहन बनाई थी और यहाँ पर मायरा भरा था, ताकि इसी कारण से इसको मायरा का गुफा कहते हैं। सर ने जो जानकारी दी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो, ये महाराणा प्रताप जी से ये जुड़ा हुआ स्थल, तो यहाँ उनकी मूर्ति रखी हुई है। यहाँ रहकर युद्ध की, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पे, कि जो महाराणा प्रताप जी यहाँ पे रुके थे, और यहाँ से जो हल्दीघाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो उन्होंने यहाँ से रुक के और यहाँ से फिर अपनी कमान संभाली थी। और ये महाराज जी हैं सनानंद गिरि महाराज जी, और इनका मौन व्रत है, ये 12 महीने तक इनका मौन उपवास है। और ये चाहते हैं कि ये रोज यहाँ तक आ जाए। हाँ, तो ये इन्होंने ये भी बात बताई है कि यहाँ अगर यहाँ विकास हो तो इस क्षेत्र का और भी अच्छी तरीके से विकास होगा, तो यहाँ पर ये टूरिज्म स्पॉट बन सकता है, और इससे इस क्षेत्र का विकास होगा और राज्य सरकार को भी इनकम होगी, तो पूरे राजस्थान का नाम भी होगा। इसे वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और यहाँ पर अगर दोस्तों आपने महाराणा प्रताप जी वाली जो सीरीज अगर आपने देखी हो, तो महाराणा प्रताप जी वाली सीरीज में उसमें ये बताया गया है कि ये वो जो राणा पूंजा या भीलू राणा के नाम से जो जाने जाते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, तो वो इसी क्षेत्र के थे और उन्होंने उनका बराबर कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। अगर शायद वो उनका साथ नहीं देते तो वो उस मतलब जो मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों यहाँ आए तो हमने भी कुछ यहाँ पे वेट कर दिए और चलते हैं यहाँ पे। तो ये महाराज जी मान नहीं रहे कि आपको चाय पी के जानी पड़ेगी, तो चलो ठीक है, इनकी माननी पड़ेगी बात। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए रुके और यहाँ पर इन्होंने हमारा बहुत आदर सत्कार किया और हमें चाय पिला के ही भेजा है यहाँ से। तो चलते हैं अब आगे और रास्ते में और दिखाएंगे और जो देखने लायक जो चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे इंगलाज माता का